नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू मारू यूट्यूब चैनल में मेहुल मावाणी एज्युकेशन एंड कल्चर। जो मित्रों तमे आ चैनल पर नवा हो तो प्लीज मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करजो, एटले के वीडियो नी नीचे आपेलू सब्सक्राइब नू लाल बटन दबावी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करो, जेथी नवा वीडियो लेने आवु तो तमारा सुधी झड़पथी पहोंची शको। मित्रों आज आपणे आ वीडियो में जोशू धोरण 6 विषय हिंदी फर्स्ट सेमिस्टर एटले के प्रथम सत्रना एकम बे एक जगत एक लोक जे आपणे अहीं काव्य स्वरूपे आपेलू छे। आ एकमना अभ्यास अने शब्दार्थ अंगे मित्रों आपणे आ वीडियोमां चर्चा करीशुं। तो मित्रों तमे एक जगत एक लोक शीख्या हशो, समझ्या हशो, जाण्यु हशे अने गायुं पण हशे। सुंदर मजानुं काव्य छे, काव्यनो राग पण सारो छे जे तमे शीखी गया हशो। तो मित्रों आ काव्यमां आपणने एक थईने एकजूट थईने रहेवानुं सुंदर मजानी शिखामण आपी छे। वसुदेव कुटुंबकमनी भावना व्यक्त करतुं आ काव्य खूब ज सुंदर मजानुं छे। तो मित्रों आ काव्य शीख्या बाद हवे आपणे आगळ वधीए अने जोईए शब्दार्थ तेमज अभ्यास। मित्रों वीडियो शुरू करता पहेला जो तमने आ वीडियो गमे तो आ वीडियो ने शेर करजो, आ वीडियो ने लाइक जरूरथी करजो अने आ वीडियो केवो लाग्यो ते अंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूरथी करजो अने कोई पण प्रश्न में समझण ना पड़े तो पण कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करजो, जेथी नवा वीडियो लईने आवु तो तमारा ते प्रश्नोना उत्तरो आपी शकूं। अने खास सब्सक्राइब करवानुं चूकता नहीं। जोईए शब्दार्थ। मित्रों शब्दार्थनो अभ्यास आपणे एटला माटे करी लईशुं के परीक्षामां समानार्थी शब्द पूछाय के शब्द समूह माटे एक शब्द पूछाय तो आपणे शब्दार्थनो अभ्यास करेलो हशे, महावरो करेलो हशे तो आपणने ते प्रश्नोना उत्तर आपवामां तकलीफ पड़शे नहीं। जोईए शब्दार्थ। पहेलो शब्दार्थ थे जग, तो जगनो अर्थ थशे जगत अथवा दुनिया। आगळनो शब्द छे लोक एटले संसार। आगळनो शब्द छे मान एटले आदर अथवा सम्मान। આગળનો શબ્દ છે ભૂમિ એટલે જમીન અથવા ધરતી। પછીનો શબ્દ છે તેજ એટલે પ્રકાશ। પછીનો શબ્દ છે મિત્રો દેહ એટલે તન, કાયા અને શરીર, ત્રણ સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા છે। આગળ જોઈએ। આગળનો શબ્દ છે નિશદિન એટલે હરરોજ અથવા પ્રતિદિન। આગળનો શબ્દ મિત્રો છે રક્ત જેનો અર્થ થશે લહુ અથવા ખૂન। પછીનો શબ્દ છે અસ્થિ જેનો અર્થ થશે હડ્ડી। પછીનો શબ્દ આપે છે મિત્રો હર્ષ જેનો અર્થ થશે આનંદ। પછીનો શબ્દ છે પ્રાણ જેનો અર્થ થશે જાન અથવા જીવ। પછીનો શબ્દ છે મિત્રો તરાના જેનો અર્થ થશે ગીત અથવા ગાન। પછીનો શબ્દ છે પ્રગતિ જેનો અર્થ થશે ઉન્નતિ અથવા વિકાસ। પછીનો શબ્દ છે મિત્રો એક્ય જેનો અર્થ થશે એકતા। પછીનો શબ્દ છે રાગ જેનો અર્થ થશે સ્વર, તાલ ઓર લયયુક્ત સંગીત। કદાચ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ પૂછાઈ શકે। આગળનો શબ્દ છે ગાન જેનો અર્થ થશે ગીત। છેલ્લો અને અંતિમ શબ્દ છે મિત્રો નિશાન જેનો અર્થ થશે ચિહ્ન। તો મિત્રો આ રીતે તમામ શબ્દાર્થમાં આપેલા શબ્દોનો અને તેના અર્થોનો અભ્યાસ કરી લઈશું। આગળ વધીએ, જોઈએ અભ્યાસ। તો મિત્રો આ એકમમાં અભ્યાસમાં આપણે કુલ 5 પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાના છે। આપણે પાંચેય પ્રશ્નો વિગતે વ્યવસ્થિત સમજીએ। જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો।
प्रश्न पहलो मित्रों आपने आपेलो छे जेने आपने सूचना आपी छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहीं मित्रों आपने कुल चार प्रश्नों ना उत्तरों आपवाना छे। जो ये प्रश्न पहलो, प्रश्न पहलो छे मित्रों, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जो ये उत्तर, सारे संसार में एक मानव लोक है, एक ही चंद्र सारे संसार में चांदनी फैलाता है, एक सूरज सारे संसार को प्रकाश और ऊर्जा देता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, हवा और पानी भी एक ही हैं, इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। तो मित्रों आ रीते आ प्रश्न नो उत्तर लखीशु। आगळ जोईए प्रश्न नंबर बे। प्रश्न नंबर बे छे मित्रों, एक रक्त का अर्थ समझाइए। जोईए उत्तर, मनुष्य किसी भी धर्म जाति या देश का हो लेकिन उसके रक्त का रंग लाल होता है। रंग रूप वेश और भाषा भले ही अलग हो पर रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि मनुष्य जाति एक ही है। तो मित्रों प्रश्न नंबर बे नो उत्तर आ रीते लखीशु। आगळ जोईए प्रश्न नंबर त्रण। प्रश्न नंबर त्रण छे, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? जोईए उत्तर, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म है। हवे जोईए प्रश्न चौथो। प्रश्न नंबर चौथो छे मित्रों, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जोईए उत्तर, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, कोई भी मनुष्य का सारा जीवन केवल सुख में अथवा दुख में व्यतीत नहीं होता, कभी सुख तो कभी दुख चलता ही रहता है, इसीलिए कवि ने हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है ऐसा कहा है। तो मित्रों आ रीते प्रश्न एक ना आपेला चार प्रश्नों ना उत्तरो लखीशु। आगळ जोईए प्रश्न नंबर बे। प्रश्न नंबर बे मां मित्रों आपने सूचना आपी छे ऊंचे स्वर में पढ़िए, एटले के आपने अहीं आप केटलाक शब्दों आप्या छे, आ शब्दोनुं मोटे थी उच्चारण करवानुं छे एटले बोलवाना छे। मित्रों आपने आ शब्दों ने जोड़े जोड़े लेखन कार्य एटले के अनुलेखन पण करी नाखीशुं, जेथी आपणा जोड़णी दोष होय ते दूर थाय। तो जोईए कया कया शब्दों आप्या छे अने आपणे केवी रीते तेना उच्चार करीशुं। तो मित्रों पहेलो शब्द छे सूर्य, पछीनो शब्द छे सुख दुख, आगळनो शब्द छे रक्त, पछीनो शब्द छे अस्थि, पछीनो शब्द छे प्राण, आगळनो शब्द छे गाय, आगळनो शब्द छे मित्रों गुंज, पछीनो शब्द मित्रों आपणने आप्यो छे हर्ष, पछीनो शब्द छे मित्रों एक्य, पछीनो शब्द मित्रों आपणने आप्यो छे कर्म, આગળનો શબ્દ મિત્રો આપણને આપ્યો છે પ્રગતિ, પછીનો શબ્દ મિત્રો આપણને આપ્યો છે લહેરાય, છેલ્લો શબ્દ મિત્રો આપણને આપ્યો છે વિશ્વશાંતિ। તો મિત્રો આ રીતે આપેલા શબ્દનું આપણે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરીશું અને સાથે સાથે અનુલેખન પણ કરીશું। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ।
प्रश्न नंबर 3 मित्रों आपने आपेलो छे जेनी आपने सूचना आपी छे। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। मित्रों अहीं एक आपने वर्ण आपेलो छे तेनी उपरथी आपने चार चार शब्दों बनावाना छे। केवी रीतना बनावीशुं जोईए। सौ प्रथम उदाहरण, तो मित्रों आपने उदाहरण आप्युं छे जेमां आपने वर्ण आप्यो छे क। तो क उपरथी कौवा, कमल, कागज अने कौशल आटला शब्दों मित्रों आपने आपेला छे। हवे बाकीना जे वर्णों आपेला छे एटले के अक्षरो आपेला छे तेनी उपरथी आपणे बीजा शब्दों बनावाना छे। तो जोईए मित्रों, तो मित्रों पहेलो वर्ण आपने आप्यो छे ग। मित्रों तमारा पाठ्यपुस्तक में पण पाना नंबर 8 ऊपर आ वर्णोनी सामे खाली जग्या आपेली छे। तो मित्रों त्यां पण आपणे लेखन कार्य करी लईशुं, एटले के त्यां जे खाली जग्या आपेली छे त्यां पण शब्दोनी नोंध करी दईशुं, पछी आपणा नोटबुक में पण नोंधीशुं। तो मित्रों ग उपरथी गणेश, गुरु, गीत, गाय जेवा शब्दों बनशे। मित्रों आ सिवाय पण तमने ग उपरथी, ग वर्ण उपरथी, ग अक्षर उपरथी बीजा शब्दों आवडता होय तो ते तमे लखी शको छो, अथवा अहीं आपेला नमूनारूप उत्तरो पण तमे नोंधी शको छो। आगळ जोईए। तो मित्रों आगळनो वर्ण आपणने आप्यो छे घरनो ग, तो तेनी उपरथी घर, कड़ी, घास, घटना जेवा शब्दों बनशे। आ सिवाय तमे जाते प्रयत्न करीने पण शब्दों लखी शको छो। पछीनो वर्ण मित्रों आपणने आप्यो छे च, तो च उपरथी चिड़िया, चमक, चटाई, चित्र मित्रों आवा शब्दों बनशे। आ सिवाय पण तमने आवडता होय तेवा च वर्ण वाला शब्दों नोंधी शको छो। आगळ જોઈએ। આગળનો વર્ણ મિત્રો આપણને આપ્યો છે મ, તો મ ઉપરથી મહલ, મકાન, મનુષ્ય, માનવ જેવા શબ્દો બનશે। આ સિવાય મ વર્ણવાળા તમને શબ્દો આવડતા હોય તો તે પણ તમે નોંધી શકો છો। તો મિત્રો આ રીતે પ્રશ્ન 3 માં આપેલા વર્ણો ઉપરથી આપણે શબ્દો બનાવવાના છે। તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ જગ્યા આપી છે, ત્યાં પણ આપણે લેખન કાર્ય કરીશું અને પછી આપણી નોટબુકમાં પણ તે પ્રશ્નનો ઉત્તર લખીશું। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। પ્રશ્ન નંબર 4 ને મિત્રો આપણને સૂચના આપી છે શબ્દ સારણી। મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 8 ઉપર આવી એક શબ્દ સારણી એટલે કે શબ્દનું કોષ્ટક આપેલું છે। તેમાંથી મિત્રો આપણે અર્થપૂર્ણ શબ્દો તારવવાના છે। तो मित्रों केवा शब्दों तारवाना छे ते जोईए। तो मित्रों अहीं तमने सूचना लखी छे, उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों आपने जे सारणी आपी छे ते सारणी उपरथी आपणे सार्थक शब्दों शोधवाना छे। तो केवी रीतना शोधवाना ते मित्रों अहीं तमने शोधीने दर्शावेला छे। तो अहीं महाभारत, पारसी, बाइबल शब्द आपने शोधीने आप्यो छे, तेनी नीचे हिंदू, तेनी नीचे गुरु ग्रंथ साहेब, तेनी नीचे सीख, सीखनी नीचे रामायण, रामायणनी नीचे ईसाई, डाबी बाजुए मंदिर, मुस्लिम, अवेस्ता, मस्जिद जेवा सार्थक शब्दों मित्रों आपने आ सारणी उपरथी मळे छे। तो मित्रों हवे शुं करवानुं छे તે જોઈએ। તો મિત્રો આપણને જે શબ્દો મળ્યા છે, જેમ કે અહીં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 8 ઉપર જે સારણી આપી છે તેની ઉપર આપણને બાઇબલ શબ્દ શોધીને આપ્યો છે। તો નીચે આપણને સૂચના આપી છે કે જે શબ્દો મળ્યા છે તેનો આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। જેમ કે બાઇબલ શબ્દ છે, તો બાઇબલ શબ્દ ઉપરથી બાઇબલ ધર્મ ગ્રંથ હે એવું આપણને વાક્ય બનાવીને આપેલું છે। હવે આપણને જે શબ્દો મળ્યા છે તે શબ્દો ઉપરથી આપણે વાક્યો બનાવવાના છે। તો જોઈએ કેવી રીતના આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ। તો પહેલો શબ્દ હતો આપણો મહાભારત, તો મહાભારત ઉપરથી વાક્ય બનશે મહાભારત એક મહાકાવ્ય હે। મિત્રો વાક્યો તમે તમારી રીતે પણ વિચારીને બનાવી શકો છો। આગળનો શબ્દ હતો પારસી,
तो पारसी ऊपरथी वाक्य बनावीशु जमशेदजी टाटा पारसी थे। पछीनो शब्द हतो मंदिर, तो मंदिर ऊपरथी वाक्य बनावीशु मंदिर हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल है। पछीनो शब्द हतो हिंदू, तो हिंदू ऊपरथी आपणे वाक्य बनावीशु हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है। आगळनो शब्द छे मित्रों गुरु ग्रंथ साहिब, आ शब्द ऊपरथी वाक्य बनावीए शीख धर्म का धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। आगळ जोईए, आगळनो शब्द छे मित्रों शीख, तो शीख शब्द ऊपरथी आपणे वाक्य बनावीशु शीख धर्म का धार्मिक स्थल गुरुद्वारा है। आगळ જોઈએ, આગળનો શબ્દ છે મિત્રો રામાયણ, તો રામાયણ ઉપરથી શબ્દ બનાવીશું રામાયણ કે રચયિતા વાલ્મીકી ઋષિ હે। આગળ જોઈએ, આગળનો શબ્દ છે મિત્રો ઈસાઈ, ઈસાઈ ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવીએ ઈસાઈ ધર્મ કા ધાર્મિક સ્થળ ચર્ચ હે। આગળ જોઈએ મિત્રો, तो આગળનો શબ્દ છે મસ્જિદ, મસ્જિદ ઉપરથી મિત્રો વાક્ય બનાવીએ મુસલમાન મસ્જિદ મે નમાઝ પઢને જાતે હે। આગળનો શબ્દ છે મિત્રો અવેસ્તા, તો અવેસ્તા ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવીએ અવેસ્તા પારસી ધર્મ કા ધાર્મિક ગ્રંથ હે। આગળનો શબ્દ હતો મિત્રો મુસ્લિમ, મુસ્લિમ શબ્દ ઉપરથી મિત્રો આપણે વાક્ય બનાવીએ कुरान मुस्लिम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो मित्रों आ रीते आपने जे शब्द सारणी माथी एटले के शब्द कोष्टक माथी जे शब्दों मळ्या हता तेना आधारे आपने वाक्य बनाव्या। मित्रों तमे तमारी रीते शब्दों शोधीने पण वाक्य पण तमे मित्रों तमारी रीते जाते बनावी शको छो। मित्रों आपणे अहीं जे शब्दों नोध्या अने वाक्य बनाव्या ते उपरांत हस्ताक्षर भारत धन कुल सीमा बल सात आदि सार्थक शब्द भी बनते हैं। एटले के मित्रों ए शब्दों सिवाय बाकी ना शब्दों पण अहीं जे नोधेला छे ए शब्दों पण तमने आपेली शब्द सारणी माथी बनशे। होई सके छे आ सिवाय पण तमने घणा बधा बीजा शब्दों मळशे। तो मित्रों जे सार्थक शब्दों होय एटले के जे शब्दों माथी अर्थ निकळतो होय तेवा शब्दों आपणे शब्द सारणी माथी शोधी अने तेना वाक्यो बनावाना छे। वाक्यो मित्रों तमे तमारी रीते विचारीने जाते बनावी शको छो। आगळ वधीए, हवे जोईए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 मित्रों आपणने आपेलो छे जेने आपणने सूचना आपी छे इस गीत को कक्षा में टेप रेकॉर्डर के द्वारा सुनिए। एटले के आपणने जे एक जगत एक लोक काव्य आपेलू छे ते काव्यने अपने कक्षा में एटले के धोरण में वर्ग में टेप रेकॉर्डर एटले के साउंड सीस्टम की मदद थी म्यूजिक सीस्टम की मदद थी सांभळवानुं छे। मित्रों तमे तमारा मोबाइल में पण आ काव्य ने सांभळी शको छो अने गाई पण शको छो अने तमारा वर्ग में जो आवी सीस्टम होय टेप रेकॉर्डर नी के साउंड सीस्टम होय तो तेमां पण तमे आ कविता ने सांभळी शको छो। तमे मित्रों आ कविता ने सांभळशो तो तेनो राग छे कि एटले के केवी रीतना गावानुं छे ए तमने झड़पथी आवडी जशे। तो मित्रों आ रीते आपणने अहीं हिंदी धोरण 6 एकम 2 एक जगत एक लोक काव्यना शब्दार्थ अने साथे साथे अभ्यासना 1-5 प्रश्नों अहीं तमने मित्रों व्यवस्थित समझावेला छे। आशा राखुं छुं के तमने तमामे तमाम शब्दों अने स्वाध्यायना अभ्यासना प्रश्नों समझाई गया हशे अने तमने मित्रों आ वीडियो गम्यो हशे। जो मित्रों तमने आ वीडियो गम्यो होय तो प्लीज मित्रों आ वीडियो नी लिंक तमे तमारा अन्य मित्रों सुधी पण शेयर करजो। साथे साथे आ वीडियो ने लाइक जरूरथी करजो अने आ वीडियो केवो लाग्यो ते अंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूरथी करजो अने कोई पण प्रश्न में समझण ना पड़ी होय तो पण कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करजो जेथी नवा वीडियो लईने आवू तो तमारा ते प्रश्नोना उत्तरो आपी शकूं। अने खास सब्सक्राइब करवानू चूकता नहीं एटले के वीडियोनी नीचे आपेलू सब्सक्राइबनू लाल बटन दबावी चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करो।
જેથી નવા વિડિયો લઈને આવું તો તમારા સુધી ઝડપથી પહોંચી શકું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.